ऑप्शंस देखिए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स या फैट्स। तो बाइल सॉल्ट्स होते हैं, ये किसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं? फैट्स के। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, बिगेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। तो सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है बॉडी की? ऑप्शंस देखिए, लीवर, थायराइड, पेनक्रियाज या सुप्रारीनल ग्लैंड्स। तो ये हो जाएगा लीवर। ओके, और इसमें 100 क्वेश्चन हैं, आप लोग अपने आप को एनालाइज भी कर सकते हैं। 100 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं, वीडियो को कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं 100 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो 7th क्वेश्चन में क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन पूछा है। ऑप्शन देखिए, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टिव फूड अंटिल डिफेकेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या ऑल ऑफ द अबव। तो सारे ही फंक्शन होते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन के। ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन इन द GIT। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो होता है उसका क्वेश्चन है, लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन इन द GITs। ऑप्शन देखिए, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा मस्कुलरिस या सीरस। तो ये म्यूकोसा हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट्स विद द सिक्रेशन ऑफ द। ऑप्शंस है स्टमक, सैलिवरी ग्लैंड्स, पेनक्रियाज या स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये हो जाएगा सैलिवरी ग्लैंड। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज सीक्रेट। ठीक है, पेनक्रियाज में जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में जो सेल्स होती है अल्फा बीटा सेल्स, तो अल्फा सेल्स का पूछा है क्या सीक्रेट करती है। ऑप्शंस है इंसुलिन, ग्लूकागोन, बाइल या गैस्ट्रिक जूस। तो अल्फा सेल्स तो ग्लूकागोन सीक्रेट करती है ना, और बीटा सेल्स इंसुलिन सीक्रेट करती है। तो हमारा इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट कौन सा होता है? ऑप्शंस देखिए, ड्योडिनम, इलियम, जिजिनम या अपेंडिक्स। तो ये इलियम होता है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। जिजिनम, ड्यूडिनम, इलियम ऐसे होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। लास्ट पार्ट होता है इलियम। नेक्स्ट है लीवर इज अफेक्टेड बाय। तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सी डिजीज़ है जिसमें लीवर अफेक्ट होता है? ऑप्शंस है जॉन्डिस, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स या कोलेरा। तो ये जॉन्डिस आ जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉन्डिस में अफेक्ट होता है लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइग्लिसराइड्स ट्रैवल थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कोल्ड। ऑप्शंस है स्मॉल ग्लोब्यूल्स, काइलोमाइक्रोन्स, ग्लोब्यूल्स या मिसेल्स। तो ये काइलोमाइक्रोन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है पैराइटल सेल्स सीक्रेट। ऑप्शंस देखिए, पेप्सिनोजन, एक्सट्रिंसिक फैक्टर, रैनिन या HCl। तो पैराइटल सेल्स जो होती है क्या सीक्रेट करती हैं? ये HCl प्लस, एक तो HCl सीक्रेट करती है और एक इंट्रिंसिक फैक्टर भी आता है। ठीक है, तो इसका हमारा हो जाएगा HCl आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइल इज फॉर्म्ड इन। तो बाइल कहाँ पर बनता है? ये बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन बाइल वाला कि बाइल कहाँ पर बनता है। ऑप्शन है गोल ब्लैडर, लीवर, पेनक्रियाज या ड्यूोडिनम। तो बाइल बनता है लीवर में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, गैस्ट्रिक जूस हैज़ द फॉलोइंग एंजाइम एक्सेप्ट। ऑप्शंस है रैनिन, पेप्सिनोजन, टाइलिन या लाइपेज। तो ये सारे होते हैं, लाइपेज नहीं होता। ठीक है, तो इसका हमारा हो जाएगा एक सेकेंड, हाँ, गैस्ट्रिक जूस हैज़ द फॉलोइंग एंजाइम एक्सेप्ट। तो इसमें ये टाइलिन नहीं होता, क्योंकि ये तो जो अमाइलेज होता है ना उसी को बोलते हैं। तो ये तो सलाइवा में होता है, सलाइवरी अमाइलेज, एक पैंक्रेटिक अमाइलेज होता है। हाँ, तो ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, तो बाकी के ये रैनिन, पेप्सिनोजन और लाइपेज, ये सारे ही गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टाइलिन हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन है डायबिटीज़ मलिटियस इज ड्यू टू। तो ऑप्शंस देखिए, इंक्रीज इन इंसुलिन लेवल, डिक्रीज इन ग्लूकागोन लेवल, डिक्रीज इन इंसुलिन लेवल या इंक्रीज इन इन्यूलिन लेवल। तो डायबिटीज़ मलिटियस में इंसुलिन कम होता है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, डिक्रीज इन इंसुलिन लेवल। क्वेश्चन नंबर 18, फैक्टर एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा फैक्टर एसेंशियल होता है? ऑप्शंस देखिए, पेप्सिन, रैनिन, इंट्रिंसिक फैक्टर या एक्सट्रिंसिक फैक्टर। तो इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है ना वो होता है, इसेंशियल होता है किसके लिए? विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो इसका हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, इंट्रिंसिक फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 19, पुरकिंजे फाइबर्स प्रेजेंट इन, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है। पुरकिंजे फाइबर आपको सभी को पता है कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पर एक क्वेश्चन रिपीट बहुत बार होता है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है पुरकिंजे फाइबर, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, तो हार्ट में होते हैं, सभी को पता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, द स्टमक, ऑप्शन देखिए, स्टोर फूड, सीक्रेट माइलेज, एब्जॉर्ब विटामिन B12 या ऑल ऑफ द अबव। तो स्टमक क्या करेगा, फूड को स्टोर करेगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इज, ऑप्शन है ट्रिप्सिन, पैनक्रियोजाइमिन, एंटीरो पेप्टाइडेज या ऑल ऑफ द अबव। तो ये ट्रिप्सिन हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है विच डाइजेस्टिव एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड इन द सलाइवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियाज। देखिए कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम है जो सलाइवरी ग्लैंड्स भी प्रोड्यूस करती है और पेनक्रियाज भी प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन देखिए, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, पेप्सिन या लाइपेज। तो ये अमाइलेज होता है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। सलाइवरी ग्लैंड से भी ये सीक्रेट होता है और ये पेनक्रियाज भी सीक्रेट करता है, अमाइलेज होता है ये, ओके। सलाइवरी ग्लैंड वाले को सलाइवरी अमाइलेज कह देंगे और इसको पेनक्रियाटिक अमाइलेज कह देंगे, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, अमाइलेज। क्वेश्चन नंबर 23, द साइट वेयर मोस्ट ऑफ द केमिकल एंड मैकेनिकल डाइजेशन इज कैरिड आउट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन जो होता है बॉडी में वो कहाँ पे होता है, ऑप्शन देखिए, फंडा, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, ड्यूरिंग फीटल लाइफ आरबीसी प्रोडक्शन टेक प्लेस इन, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये ESIC में आया था क्वेश्चन। तो फीटल लाइफ के दौरान जो आरबीसी प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है, ऑप्शन देखिए, बोन मैरो एंड इंटेस्टाइन, ब्रेन एंड किडनी, लीवर एंड स्प्लीन एंड नन ऑफ दीज। तो ये स्प्लीन आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, लीवर एंड स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, द लीवर डज, ऑप्शन देखिए, ग्लाइकोजन स्टोरेज, डिटॉक्सिफिकेशन, बाइल प्रोडक्शन या ऑल ऑफ द अबव। तो लीवर क्या करता है, सारे ही काम करता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ओके। बाइल प्रोड्यूस करता है, ये है डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी है, ग्लाइकोजन स्टोरेज भी है, तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट फेरिंग्स विद स्टमक, ठीक है। फेरिंग्स को स्टमक से जो कनेक्ट करता है वो कौन है, ऑप्शन देखिए, एपिग्लोटिस, ईसोफेगस, ट्रैकिया या फेरिंग्स। तो ये ईसोफेगस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन है ऑर्गन लोकेटेड नियर जंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज, ऑप्शन है फंडस, अपेंडिक्स, कोलोन या पाइलोरिक एंट्रम। तो ये हो जाएगा, अपेंडिक्स हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ए सब्सटेंस इन द लार्ज इंटेस्टाइन इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रेशन इज, ऑप्शंस देखिए, एंटीरोकाइनेज, एंटीरोगैस्ट्रिन, एंटीरोकाइनिन या नन ऑफ दीज। तो ये एंटीरोगैस्ट्रिन हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, मेन फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इज, ऑप्शंस है एलिमिनेट बाइल, कंसंट्रेशन एंड रिजर्वोयर ऑफ बाइल, सीक्रेट बाइल या नन। तो ये गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल को स्टोर करने का काम होता है। बाइल बनता तो कहाँ है, लीवर में बनता है, लेकिन स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, कंसंट्रेशन एंड रिजर्वोयर ऑफ बाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन न्यूमेरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड, ऑप्शन है विलाई, वैक्यूल, अपेंडिक्स या नन। तो ये विलाई हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू, तो जो HCl की प्रेजेंस में पेप्सिनोजन से क्या बनता है, ऑप्शन देखिए, पैपेन, पेप्सिन, पेप्टाइड या रैनिन। तो पेप्सिनोजन से क्या बनेगा, पेप्सिन बनेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ओके। तो ये हो जाएगा पेप्सिन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराथायरॉयड हार्मोन कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ, तो किसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है पैराथायरॉयड हार्मोन, ऑप्शन है आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम या कॉपर। तो कैल्शियम हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कैल्शियम। 33 नंबर क्वेश्चन है, ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, ऑप्शंस हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड या पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, इसके जो भी हॉर्मोन्स सिक्रेट होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको करवाया भी हुआ है, बताया भी हुआ है। ओके, तो जो ये ग्रोथ हार्मोन होते हैं ये एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होते हैं। ओके, तो इसका हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, तो ये हो जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी होता है। ओके, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन होते हैं सिक्रेट होते हैं? ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय एडिनो हाइपोफाइसिस। तो कौन सा हार्मोन है जो एडिनो हाइपोफाइसिस मतलब जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसे सिक्रेट नहीं होता? ओके, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। ओके, तो ग्रोथ हार्मोन तो होता है सिक्रेट, प्रोलैक्टिन भी होता है, ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर से होता है, तो ये आ जाएगा हमारा FSH इससे होता है एडिनो हाइपोफाइसिस से। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन सिक्रेट नहीं होता क्योंकि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है ना, इसीलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, जंक्शन बिटवीन टू नर्व इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन देखिए असम के फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में है 2021 का, ये 2021 का जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था जनवरी में था ये असम का आई थिंक, ठीक है, उसमें था ये क्वेश्चन। तो दो न्यूरॉन्स के बीच में जंक्शन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखिए साइनेप्स, गैंगलियन, डेंड्राइट या एंड प्लेट। तो इसे बोलते हैं साइनेप्स बोलते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, डिक्रीज पैराथ हार्मोन सिक्रेशन रिजल्ट्स इन। ऑप्शन देखिए टिटैनी, ADH डेफिशिएंसी, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इनटेक या एक्रोमेगैली। तो ये टिटैनी हो जाएगा, ठीक है। अगर ये पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है तो उससे क्या हो जाएगा? टिटैनी हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, हाई ब्लड कैल्शियम लेवल इज ड्यू टू। ऑप्शंस है ग्लूकागोन, कैल्सिटोनिन, पैराथ हार्मोन या ग्लूकोकोर्टिकोइड। तो हाई ब्लड कैल्शियम लेवल जो होता है पैराथ हार्मोन से होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पैराथ हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 38, एपोक्राइन ग्लैंड इज। ऑप्शंस देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड, लिम्फ ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड या स्वेट ग्लैंड। तो स्वेट ग्लैंड हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, डिसऑर्डर ऑफ हाइपो फंक्शनिंग ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स इज। ऑप्शंस देखिए एक्रोमेगैली, एडिसन्स डिजीज, गोइटर या कशिंग सिंड्रोम। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी होता है क्वेश्चन, ठीक है। जो एड्रिनल कोर्टेक्स है उसकी हाइपर फंक्शनिंग से कौन सा डिसऑर्डर होता है? तो एडिसन्स डिजीज होता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। घुमा फिरा के पूछ लेते हैं इसको, ऐसे पूछ लेते हैं एडिसन डिजीज़ जो है ये क्यों होती है? तो उसमें तो एड्रिनोकोर्टिकल इनसफिशेंसी, इस टाइप से ये जो हरियाणा का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम था ना HSSC का भी 2021 का, उसमें था ये क्वेश्चन, उसमें इस करके दे रखा था एडिसन डिजीज इज़ ड्यू टू, इस टाइप से था। फिर उसमें आंसर था एड्रिनोकोर्टिकल इनसफिशेंसी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट। ऑप्शंस है ऑक्सीटोसिन, ADH, एंडोर्फिन या TRH। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एंडोर्फिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी होता है? हिटरोक्राइन ग्लैंड बोल देते हैं इसको अपन। तो ऑप्शन देखिए पैनक्रियाज, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड। तो ये पैनक्रियाज जो होता है इसको बोलते हैं, ये एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन दोनों ही काम करता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, पैनक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 42, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द। ऑप्शंस देखिए बैकयार्ड ऑफ सेल, स्टोर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल या कुकिंग हाउस ऑफ सेल। अब ये क्वेश्चन देखिए असम के फार्मासिस्ट एग्जाम में भी आया था और ये महाराष्ट्र के फार्मासिस्ट एग्जाम में भी आया था, ठीक है। मतलब ईजी क्वेश्चन है, बट ईजी क्वेश्चन भी रिपीट होते रहते हैं। ये अभी लेटेस्ट ही आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2021 के जो पेपर हुए थे ना उनमें आया हुआ है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया सभी को पता है, पावर हाउस ऑफ सेल होता है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, एंटी डायरेटिक हार्मोन इज। ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, गैस्ट्रिन या नन। तो वैसोप्रेसिन जो होता है ये एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, ऑल द ग्लैंड्स इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय, सारी की सारी ग्लैंड्स जो होती है बॉडी की उनको कौन कंट्रोल करता है। ऑप्शन देखिए, पैनक्रियाज, पिट्यूटरी, एड्रिनल या थायराइड। तो पिट्यूटरी जो होती है इसको क्या बोलते हैं, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है, पिट्यूटरी को, क्योंकि क्या करते हैं सारी की सारी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय, ऑप्शंस है यूट्रस, ओवरीज, टेस्टिस या सेमिनल वेसिकल्स। तो ओवरीज आ जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ओवरीज जो होती है एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, मेलाटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शंस है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, लिम्फ नोड या पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो मेलाटोनिन जो होता है ये प्रोड्यूस होता है, पीनियल ग्लैंड होती है ना ये प्रोड्यूस करती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है, इकोकार्डियोग्राम हेल्प्स डॉक्टर्स टू सी इमेज ऑफ द, ऑप्शंस है लीवर, किडनी, पैनक्रियाज या हार्ट। तो ये हो जाएगा हार्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, क्यू फॉर सेल्स आर प्रेजेंट इन, ऑप्शन देखिए लीवर, ब्रेन, बोन या लंग। तो क्यू फॉर सेल्स होती है लीवर में प्रेजेंट होती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ एग्जाम में। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है, इलियम, इस्ट्रियम एंड प्यूबिस बोन कंबाइन टू फॉर्म, ऑप्शन देखिए शोल्डर, टेल, चेस्ट या इनोमिनेट बोन। तो ये इनोमिनेट बोन हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन है, सूचर्स बिटवीन द बोन्स ऑफ स्कल्स आर एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शंस हैं साइनोवियल जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स या नन। तो फाइब्रस जॉइंट्स जो होते हैं ना वो हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, फ्रीली मूवेबल जॉइंट इज, ऑप्शंस है कार्टिलेजिनियस जॉइंट, साइनोवियल, फाइब्रस या ऑल। तो साइनोवियल जॉइंट्स को बोलते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, राइबोसोम इज ए साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ, ऑप्शंस देखिए न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, क्रोमोसोम्स या प्रोटीन्स। तो ये क्वेश्चन भी असम के फार्मासिस्ट एग्जाम में आया हुआ है। तो राइबोसोम होता है इज ए साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, कॉलर बोन इज, ऑप्शंस है क्लेविकल, स्टर्नम, स्कैपुला या नन। तो कॉलर बोन क्या है, क्लेविकल हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द स्केलेटन इज, ऑप्शंस है थाई बोन, टीबिया, फिबुला या स्टर्नम। तो लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है ये थाई बोन है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है, थाई बोन हो जाएगा, फीमर जिसको बोलते हैं ना। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री इन ह्यूमन बींग्स में कितनी वर्टिब्री होती है, ऑप्शन देखिए 38, 33, 40 या 20। तो टोटल 33 होती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग बोन्स एक्सेप्ट, ऑप्शन देखिए फीमर, टिबिया, फिबुला या पटेला। तो ये तीनों ही लॉन्ग बोन्स में आती है, लेकिन पटेला सिस्मोइड बोन में आती है ना, नी कैप जिसे बोलते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 57 नंबर क्वेश्चन है, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स आर, ऑप्शन देखिए ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोब्लास्ट या ऑल। तो ओस्टियोक्लास्ट होती है बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स जो होती है ना। 58 नंबर क्वेश्चन है, ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल इज, ऑप्शन देखिए मैग्जिला, इथमोइड, मैंडिबल या स्फिनोइड। तो ओनली मूवेबल होती है मैंडिबल होती है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन, विच बोन फॉर्म्स बैक ऑफ हेड, ऑप्शन देखिए पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, फ्रंटल बोन या ऑक्सीपिटल बोन। तो ये ऑक्सीपिटल बोन होती है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, ऑप्शन देखिए एडीपी, एएमपी, एटीपी या ऑल। तो एटीपी की फॉर्म में होती है ना, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन है, ब्लड इज ए, तो ब्लड क्या है, ऑप्शन देखिए कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर या नर्वस टिश्यू। तो सभी को पता है ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी, तो बॉडी की सबसे लंबी मसल्स को कौन सी होती है, ऑप्शन देखिए डेल्टोइड, रेक्टस, एब्डोमिनस, सार्टोरियस या बाइसेप्स। तो ये होती है सार्टोरियस होती है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन है, हाइपोग्लोसल नर्व इज कंसर्न्ड विद, ऑप्शंस है च्यूइंग, मूवमेंट ऑफ टंग, फेशियल एक्सप्रेशन या मूवमेंट ऑफ आई बॉल्स। तो ये जो हाइपोग्लोसल नर्व होती है मूवमेंट ऑफ टंग हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 64 टंग इज अटैच्ड टू, ऑप्शन है वोमर, इथमोइड, हायोइड बोन या जाइगोमेटिक। तो ये हायोइड बोन्स जो होती है ना इससे अटैच होती है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 मसल्स आर कनेक्टेड टू द बोन बाय, ऑप्शन है लिगामेंट, कार्टिलेज, टेंडन्स या कोलाजन। तो ये टेंडन्स आ जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री इज, ऑप्शन देखिए एटलस, एक्सिस, लंबर या थोरेसिक। तो एटलस होती है फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री होती है एटलस, और सेकंड होती है एक्सिस। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ, जो ह्यूमंस होती हैं उनमें कितनी बोन्स होती है, कंसिस्ट ऑफ बोन्स कितनी होती है। ऑप्शंस हैं 601, 106, 206 या 602। तो कितनी होती है, 206 होती है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 206 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 ऑस्टियोपोरोसिस इज डेफिशिएंसी डिसऑर्डर अकर्स टू, ऑप्शन है मसल, टेंडन्स, बोन्स या लिगामेंट्स। तो ये बोन्स हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 लोअर जो इज नोन एज, ऑप्शन है मैक्सिला, इथमोइड बोन, मैंडिबल या क्लेविकल। लोअर जो है इसको मैंडिबल बोलते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 हिप जॉइंट इज अ टाइप ऑफ, ऑप्शन है बाल एंड सॉकेट, हिंज, ग्लाइडिंग या पिवोट जॉइंट। तो ये ग्लाइडिंग जॉइंट में आ जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू, तो बीपी जो होता है उसका फॉर्मूला पूछा है, ब्लड प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कार्डिक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय क्या होता है वो हमसे पूछा है। ऑप्शन है स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट, पेरिफेरल रेजिस्टेंस या नन ऑफ दीज। तो ये इसमें होता है कार्डिक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 इफ एट्रियल बीपी इज लेस देन 100 बाय 80 mm ऑफ HG इट इज़ कॉल्ड। तो इसे क्या बोलेंगे, ऑप्शन देखिए हाइपरटेंशन, प्री हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन या प्राइमरी हाइपरटेंशन। तो ये हाइपोटेंशन हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 विच वन इज अ लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ऑप्शन है मिट्रल वाल्व, ट्राइकैस्पिड वाल्व, सेमिल्यूनर वाल्व या कार्डियक स्फिंक्टर। तो ये मिट्रल वाल्व हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट इन ईच कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज, ऑप्शन है रेजिडुअल वॉल्यूम, कार्डिक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम या नन ऑफ दीज। तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज, ऑप्शन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स, मिक्स्ड ब्लड या नन। तो पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, सारी की सारी आर्टरीज में कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है उनमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन है द आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड टू हार्ट, हार्ट को कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। ऑप्शंस है कैरोटिड आर्टरी, कोरोनरी साइनस, कोरोनरी आर्टरी या नन। तो कोरोनरी आर्टरी होती है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 पेसमेकर ऑफ हार्ट, ऑप्शंस देखिए एवी नोड, एस ए नोड, मिट्रल वाल्व या परकिंजे फाइबर। तो एस ए नोड को बोलते हैं पेसमेकर ऑफ द हार्ट, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 इनर मोस्ट कवरिंग लेयर ऑफ हार्ट इज, ऑप्शन है एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम या एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो इनर मोस्ट जो हार्ट की कवरिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम होती है ना। तो ठीक है, पेरिकार्डियम बाहर की होती है, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ठीक है, तो ये एंडोकार्डियम होगा, ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, एंडोकार्डियम होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 नॉर्मल बीपी ऑफ हेल्दी पर्सन, का नॉर्मल बीपी तो सभी को पता है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा 120 बाय 80 mm ऑफ HG। क्वेश्चन नंबर 80 राइट साइड ऑफ हार्ट कंटेन्स, ऑप्शन देखिए इम्प्योर ब्लड, प्योर ब्लड, मिक्स्ड ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो हार्ट की ये आपको पता होना चाहिए कौन सी साइड में कौन सा होता है ब्लड, ठीक है, तो ये राइट होता है ना, ये लेफ्ट होता है, तो राइट में तो इम्प्योर होता है और इसमें होता है प्योर ब्लड होता है। तो हमसे राइट का पूछा है तो इसमें इम्प्योर ब्लड आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 द आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू द किडनी, किडनी को ब्लड सप्लाई करती है वो कौन सी आर्टरी होती है। तो ऑप्शन है कैरोटिड आर्टरी, इलियक आर्टरी, हिपैटिक या रीनल आर्टरी। तो आपको पता है किडनी के लिए रीनल वर्ड हम यूज़ करते हैं, तो रीनल आर्टरी आ जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, आर्टरी वी सप्लाई ब्लड टू द टंग, टंग को जो ब्लड सप्लाई करती है वो आर्टरी कौन सी होती है, तो वो सबलिंगुअल हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 83, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट कंटेन, अभी मैंने आपको बताया था राइट साइड में इम्प्योर ब्लड था, तो लेफ्ट में कौन सा हो जाएगा, प्योर ब्लड हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड ईसीजी, ईसीजी को रिकॉर्ड करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, ऑप्शन देखिए इकोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, फोनोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, बल्जिंग ऑफ एन आर्टरी इज, ऑप्शन देखिए इस्टीमिया, एन्यूरिज्म, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस या थ्रोम्बोसिस, तो ये एन्यूरिज्म होता है, बल्जिंग ऑफ एन आर्टरी इज नोन एज एन्यूरिज्म। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन है, डिक्रीज इन हार्ट रेट इज, ऑप्शन है टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, पाल्पिटेशन या हार्ट ब्लॉक, सभी को पता है हार्ट रेट कम होता है उसे ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं, और हार्ट रेट अगर इंक्रीज होता है तो उसे क्या बोलते हैं, टैकीकार्डिया। क्वेश्चन नंबर 87, द ब्लड वेसल दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ऑप्शंस है वेन्स, आर्टरीज, वेन्यूल्स या कैपिलरीज, तो ये आर्टरीज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 88, हार्ट सप्लाई विद आर्टीरियल ब्लड बाय द, ऑप्शन देखिए राइट कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी, बोथ ए एंड बी या पल्मनरी वेन, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट और लेफ्ट जो कोरोनरी आर्टरीज होती है ना, वो क्या करती है, हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, आर्टीरियल ब्लड जो सप्लाई करती है वो ये होती है। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन, प्रॉपर्टी ऑफ कार्डिक मसल टू जनरेट इट्स ऑन इम्पल्स, तो इसे क्या बोलते हैं, ऑप्शन देखिए एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी या रिदमिसिटी या ऑटोमेटिसिटी, ये ऑटोमेटिसिटी होता है, ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, ब्रीदिंग इन एंड आउट इज कलेक्टिवली रेफर्ड एज, ऑप्शन देखिए एक्सपिरेशन, पर्सपिरेशन, इंस्पिरेशन या रेस्पिरेशन, तो ब्रीदिंग इन एंड आउट उसको कलेक्टिवली बोलेंगे रेस्पिरेशन, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, नॉर्मल रेस्पिरेटरी वॉल्यूम इज, ऑप्शन देखिए 2500 ml, 4000 ml, 1000 ml या 500 ml, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, 2500 ml हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, और ये 500 ml जो है ना टाइडल वॉल्यूम होता है, टाइडल वॉल्यूम का भी कई बार पूछते हैं कितना होता है, तो ये 500 ml होता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, हाउ मेनी एल्वोलीज इन द लंग्स, में कितनी एल्वोलीज होती हैं, ऑप्शन देखिए 300 million, 300 billion, 300,000 या 200 million, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 300 million हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, तो ब्रेन में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, ऑप्शन देख लीजिए मिड ब्रेन, मेडुला ओब्लंगेटा, सेरिबैलम या सेरिब्रम, तो ये सेरिब्रम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, रेस्पिरेटरी सेंटर्स आर लोकेटेड इन द, ऑप्शन है पोन्स, मेडुला, सेरिब्रम या सेरिबैलम, तो मेडुला जो है उसमें ये रेस्पिरेटरी सेंटर है, कार्डियोवास्कुलर सेंटर भी वहीं होता है, ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा ये राइट। क्वेश्चन नंबर 95, हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन इज मेनली सिक्रेटेड फ्रॉम, ऑप्शंस है लीवर, किडनी, बोन मैरो या हार्ट, तो ये किडनी सिक्रेट करती है, ध्यान रखना है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इरिथ्रोपोइटिन। क्वेश्चन नंबर 96, लंग्स आर लोकेटेड इन द, ऑप्शंस है क्रेनियल कैविटी, थोरसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी या स्पाइरल कैविटी, स्पाइनल कैविटी हो गई, तो ये जो है लंग्स जो है थोरसिक कैविटी में होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा थोरसिक कैविटी। क्वेश्चन नंबर 97, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज सीन इन, ऑप्शंस है न्यूबॉर्न्स, एज्ड वीमेन, एज्ड मैन या नन, तो ये न्यूबॉर्न्स हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन है सिलेंड्रिकल लेंस आर वॉर्न टू करेक्ट, ऑप्शंस है एस्टिग्मेटिज्म, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कटारेक्ट, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, एस्टिग्मेटिज्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, एक किडनी स्पेशलिस्ट कॉल्ड एज, तो किडनी स्पेशलिस्ट जो होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं, ऑप्शन देखिए कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट या ऑन्कोलॉजिस्ट, तो किडनी के लिए ये हो जाएगा नेफ्रोलॉजिस्ट हो जाएगा, ऑप्शन जो है हमारा सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है the volume of air that can be breathed out of forced expiration after taking forced inspiration is called, तो ये HSSC में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिए, टाइडल वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी या फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, तो ये वाइटल कैपेसिटी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी हमारा इसमें ये राइट हो जाएगा। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी इसका आंसर हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन क्या है, नेफ्राइटिस इज ए डिजीज अकर्स इन, ऑप्शन है किडनी, हार्ट, आई या लीवर। तो नेफ्राइटिस जो है ये किससे रिलेटेड डिजीज़ होती है आपको ये बताना है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पर हम फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स के लिए ये डिफरेंट MCQs और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लाते रहते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसलिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।